नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जब ज्योतिष में आप सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करेंगे और फलादेश का रिजल्ट निकालना शुरू करेंगे, तो चाहे भाव की बात हो, कुंडली के किसी भाव की बात हो या ग्रहों की बात हो, उसमें हर कदम पे आपको जिस चीज का सामना करना पड़ेगा वह है शुभ या बलि शब्द। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि हाँ, ये भाव आपका शुभ है, ये ग्रह शुभ है, और दूसरा टर्म अशुभ या निर्बली कि आपका यह भाव निर्बल है यानी कमजोर है, अशुभ है। तो किसी भी ग्रह के निर्बल होने का क्या कारण होगा, किसी भी भाव को निर्बल जानने का कारण क्या है, शुभ या बलि जानने का कारण क्या है, किन किन पैरामीटर पर आप उसे तौलेंगे, यही इस कार्यक्रम में जानना है। फंडामेंटल कार्यक्रम है, बेसिक कार्यक्रम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी ग्रह शुभ अशुभ कैसे होता है। अगर कोई ग्रह अशुभ है या निर्बल है, तो वह जिस भाव में बैठा होगा उस भाव को भी निर्बल बना देगा। अगर कोई ग्रह शुभ होगा या फिर कोई ग्रह अगर बलवान होगा, तो जिस भाव में बैठा होगा वह भाव भी बलवान हो जाएगा। तो इसका निर्धारण कैसे करना है, किन चीजों को किन पैरामीटर्स पर रख के आप जाने कि कोई चीज शुभ है कि कोई चीज अशुभ है। ज्योतिष में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी भी भाव की विवेचना करने में भाव को देखते हैं, फिर उस भाव के स्वामी को यानी भावेश को देखते हैं, फिर उस भाव का जो कारक ग्रह होता है, उस भाव से जिन चीजों का विचार होता है उसका कारक कौन सा ग्रह है, यह हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, ग्रहों की दृष्टियों को देखते हैं, वह ग्रह किसके साथ में युति में है इसको हम देखते हैं, फिर यह देखते हैं कि वह ग्रह वह भाव भावेश कहाँ है स्थित, नौमांस में किस स्थिति में है, हम यह भी देखते हैं। अब यहाँ पे इतनी सारे पैरामीटर्स पे हम निर्धारित करते हैं कि कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में है कि अशुभ स्थिति में है। कोई भी अशुभ वाली स्थिति जो रहेगी, जो भाव को या भावेश को, या भावेश मतलब किसी ग्रह को कमजोर करेगी, उनमें पहली स्थिति है, आप यह याद रखिए, नीच राशि। कोई भी ग्रह जहां बैठा है अगर वह नीच राशि में है, तो वह ग्रह भी कमजोर हो गया और वह भाव भी कमजोर हो गया। दूसरा, जिस भाव में नीच का ग्रह होगा वह भाव कमजोर हुआ, और जो ग्रह नीच का हुआ वो दोनों कमजोर हो गए, भावेश। इसी सूत्र में एक ही बात में ये दोनों छिपा हुआ है। एक उदाहरण कुंडली से हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे मिथुन लगन की कुंडली ले लेता हूँ और इसी पे अभी आपको यह पहला सूत्र में समझा देता हूँ। अगर जो निर्बल वाली स्थितियाँ हैं, अशुभता वाली, अगर वो नहीं है तो भाव अपने आप ही बलवान की कैटेगरी में आ जाएगा। इस कुंडली में हम बुध को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। बुध किस राशि में है, नीच राशि में है। बुध अपनी नीच राशि में है। अब यह बुध किस भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में, तो यानी यहां पर दशम भाव को वीक करेगा बुध। यह सिर्फ एक पैरामीटर है, सारे पैरामीटर अप्लाई करने चाहिए।
जितना अधिक से अधिक मिल जाएगा उतना ही प्रभाव बढ़ेगा। बुध दशम भाव में बैठा है, नीच का है, यानी ये बुध यहाँ पर दशम भाव को अशुभ या निर्बली करने का एक कारण बन रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बुध जिन भाव का स्वामी होगा, एक तो लगन का स्वामी है, एक चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो जिस भाव का स्वामी होके नीच का होगा उस भाव को भी कमजोरी हो जाएगी। जैसे आपका जो घर है, घर का मालिक ही अगर कमजोर है तो घर कमजोर अपने आप हो जाएगा। मालिक अगर मजबूत है, साहसी है, पराक्रमी है, निडर है तो घर के ऊपर आने वाली विपत्तियों का सामना करेगा। तो यहाँ पर एक तो जो ग्रह नीच का है वह ग्रह स्वयं भी कमजोर है, जिस भाव में है वह भाव भी कमजोर करेगा, और वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को भी कमजोर करेगा। यानी पहला सूत्र नीच का हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बुध दशम भाव में बैठा है। एक ही भाव का मैं आपको सिखा दूंगा, वही आप सब पे अप्लाई करके जान सकते हैं। यहाँ पर बुध हमें दशम भाव में नीच का मिला हुआ है, यानी बुध इसको बिगाड़ रहा है। अब हम दूसरे पैरामीटर पर चलेंगे। जो दशम भाव का स्वामी है, दशम में तो नीच का है बिगाड़ने वाला, तो क्या दशम भाव का जो स्वामी है गुरु, उस गुरु की प्लेसमेंट देखिए कुंडली में कैसी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ सवाल पूछेंगे, मैं ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी ग्रह का पूर्ण रूप से नीच भंग हुआ हो तो वह ग्रह राजयोग देता है। कोई भी ग्रह नीच का होगा तो अपने से संबंधित कारक चीजों में तकलीफ देगा ही देगा। अगर नीच भंग हुआ है तो उसका पूरा नाम है नीच भंग राजयोग, यानी वह ग्रह धन के लिए, भौतिक उन्नति के लिए अच्छा हो जाता है अगर नीच भंग हुआ है। लेकिन वह ग्रह जिन चीजों का कारक है, जैसे चंद्रमा वाणी का है, स्किन का है, बुद्धि विवेक का है, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं देगा ही देगा। नीच भंग हुआ है तो वो लाभ मिलेगा आपको धन और भौतिक उन्नति के मामले में। तो यहाँ पर हमने देख लिया बुध भाव को कमजोर किया। अब हमें भावेश को देखना है। भावेश यहाँ पर कौन सा ग्रह हुआ? गुरु हुआ। अब हमें गुरु की स्थिति देखनी है, यानी पहला फार्मूला जो है, पहले नंबर से प्रथम दृष्टिया भाव कमजोर है दशम भाव। द्वितीय स्टेप पे चलेंगे, गुरु को देखेंगे। अब आप देखिए कि यह गुरु भी अगर नीच राशि में हो, फिर वही चीज पे चलेंगे कि गुरु नीच राशि में अगर होगा तो यहाँ पे डबल अटैक हो गया। एक तो भाव में नीच का ग्रह, दूसरा भावेश भी नीच, यानी भाव का फल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। दूसरा, अगर नीच का नहीं है, 6, 8 और 12 में गया हुआ है तो भी पीड़ित हुआ, लेकिन इसकी अपेक्षा कम हुआ। किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाए तो तकलीफ वाली स्थिति में हो जाता है। कुछ विशेष प्रोफेशन होते हैं, उन प्रोफेशन की स्थिति में 6, 8, 12 अच्छा भी हो जाता है। जैसे अगर किसी दशम का स्वामी 6ठे भाव में है, 8वें में है, और वह व्यक्ति रोग से संबंधित जुड़े हुए विभाग में काम करता है तो उसके लिए अच्छा है। 12वें में है, वह व्यक्ति पर्यटन से संबंधित काम करता है, हॉस्पिटल आदि में काम करता है, तो उसके लिए अच्छा है। वो अलग टर्म है, वो धीरे धीरे अनुभव आने पर आप सीख जाएंगे। तो भाव में आपने देख लिया, अगर नीच का ग्रह हो, भाव का स्वामी अगर नीच का हो, भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हुआ हो, तो ये कमजोर कौन सा होगा? जिस भाव का स्वामी है वो भी कमजोर होगा साथ ही साथ, और जिस भाव में बैठा हुआ है वो भी कमजोर होगा। जैसे बुध यहां नीच का हुआ तो लग्न और चतुर्थ भी कमजोर हुआ, ऐसे इस भाव का स्वामी अगर गुरु नीच का हुआ है तो दशम भाव तो कमजोर हुआ ही हुआ, सप्तम भाव भी कमजोर कर देगा, अष्टम में नीच का बैठा है, जहां बैठा है उसको भी कमजोर करेगा। किसी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हुआ हो तो एक पैरामीटर इसे भी लगाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या होता है? भाव के पीड़ित होने का, निर्बली को पीड़ित भी बोलते हैं,
कि कोई भाव पीड़ित है तो कैसे जानेंगे, अशुभ है, निर्बली है, पीड़ित है, ये सब एक ही टर्म में आप ऐसे देखते हुए चलेंगे। अब अगला टर्म क्या हो जाता है कि अगर कोई भी भाव उसके आगे और पीछे भावों में क्रूर ग्रह बैठे हों, किसी भी भाव के आगे और पीछे क्रूर ग्रह बैठे हों तो उसको क्या बोलते हैं, पाप कर्तरी। तो अगर भाव पाप कर्तरी में है तो भी पीड़ित है। अब पीड़ित करने वाले जितने एक से अधिक योग मिल जाएंगे वह भाव उतना ही अधिक पीड़ित होता चला जाएगा। तो अगर भाव के आगे और पीछे क्रूर ग्रह बैठा है तो पाप कर्तरी में है तो भी वह भाव पीड़ित हुआ। इसी प्रकार से उस भाव का स्वामी जहाँ बैठा है अगर उसके अगले भाव और पिछले भाव में क्रूर ग्रह होगा तो वो भी पाप कर्तरी में आएगा। दोनों पाप कर्तरी में आ गए तो ज़्यादा पीड़ित, दोनों में से एक आ गया तो थोड़ा कम पीड़ित, दोनों में से कोई नहीं आया तो ठीक है। अगर दोनों के आगे पीछे शुभ ग्रह बैठे हों, भाव के अगले भाव में और पिछले भाव में शुभ ग्रह होगा तो शुभ कर्तरी बनेगा। शुभ कर्तरी भाव के फल को अच्छा बनाता है, यानी वो किस में आ जाएगा, इस कैटेगरी में आएगा, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे बाद में। जब क्रूर ग्रह आगे पीछे हो भाव के, भावेश के आगे पीछे, तो पाप कर्तरी जो कि वीक करता है यह योग बन जाता है। कोई भी ग्रह कमजोर होगा अगर वह अस्त होगा। अब अगर ग्रह कमजोर है तो वो जिस भाव में बैठा है उस भाव को भी कमजोर करेगा। यहीं पर बुध बैठा हुआ है, नीच राशि में है और बुध अस्त भी हो गया, तो अब तो बुध और भी ज़्यादा कमजोर हो गया। एक तो नीच राशि में है, पहले से ही वह निर्बल है, पीड़ित है, ऊपर से अस्त हुआ, नीच में तो थोड़ा बहुत प्रभाव था वो भी खत्म हो गया। ऐसे अगर भाव का स्वामी भी अस्त होगा तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि वह पीड़ित हो गया, 6, 8, 12 में हो गया और तब अस्त हो गया तो और भी पीड़ित हो गया, नीच का होके अस्त हो गया तो और भी ज्यादा पीड़ित हो गया। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बात, यानी नीच का ग्रह पीड़ित है, जिस भाव में नीच का ग्रह होगा, जिस भाव का स्वामी नीच का होगा, भाव में बैठे, जिस भाव में बैठा है वह भाव और जिन भावों का स्वामी है वो भाव, दोनों पीड़ित हो जाएंगे। अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में गया है तो वो पीड़ित हो जाएगा, कोई ग्रह पाप कर्तरी में है वो पीड़ित हो जाएगा, कोई ग्रह अस्त है तो वह पीड़ित हो जाएगा, यानी उसके वह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति कितना भी बलवान हो, बिजली का शॉट लग जाए, छोटा सा लगा रहेगा, वो बॉडी सिर्फ झनझनाएगी, हिलेगा सिर्फ, लेकिन डोल नहीं पाएगा, हट नहीं सकता, वही चीज है। तो ये सारी चीजें उस ग्रह को पीड़ित कर देती हैं, ग्रह रिजल्ट नहीं, और पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, पीड़ित व्यक्ति की सूझबूझ अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। पीड़ित व्यक्ति अपने आप को पीड़ा से निकालने के लिए तमाम प्रकार के जतन करता है, तो ऐसे ही पीड़ित ग्रह की दशा में व्यक्ति तमाम प्रकार के जतन करता है और असफल होता है, हानि उठाता है। तो ये सब पीड़ित करने वाले योग हो गए। एक योग और होता है, अगर कोई ग्रह नवमांस कुंडली में नीच राशि में हो तो वह भी पीड़ित करने का, अशुभता लाने का एक कारण बनता है, तो इसे भी हमेशा चेक करिए। लग्न कुंडली में आपने चेक किया, अगर सब कुछ ठीक है तो नवमांस से भी चेक कर लीजिए। इनमें से अधिक योग लागू हो जाएंगे वह उस भाव की पीड़ा को अधिक से अधिक से अधिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा। किसी भी भाव का स्वामी या किसी भी भाव में, जैसे दशम भाव में बुध नीच का होके बैठा है, यहाँ मान लीजिए बुध ना भी नीच का हो, दूसरा जो सूत्र है, किसी भी भाव में 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जाए, अगर वह कारक न हो, अगर वह ग्रह कारक नहीं है, कुछ ग्रह दो राशियों के स्वामी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में फल बदल जाता है। अगर कोई 6, 8, 12 का स्वामी अकारक होकर के जिन भाव में जाता है वो भी उस भाव को बिगाड़ता है, स्वयं नहीं बिगड़ेगा लेकिन उस भाव के फल को बिगाड़ता है। तो ये कुछ चीजें हुई जो भाव के फल को खराब करती हैं।
इसे मैं एक बार और संक्षेप में सिर्फ यहीं पर लिख दूंगा। एक चीज और है यहाँ पे, 6, 8, 12 का स्वामी उस भाव में गया है तो भाव को बिगाड़ेगा। इसके साथ साथ किसी भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 का साथ पा जाता है तो भी बिगड़ जाता है। जैसे यहाँ दशम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु। अब यह गुरु कुंडली में कहीं मंगल के साथ में बैठा हुआ है, गुरु मंगल का साथ पा गया। अब मंगल छठे भाव का स्वामी है, खष्टेश के साथ बैठा है, तो अब भी रुकावट और अड़चने ये देने का काम करेगा। मूल रूप से आपको जानना है नीच भाव में ग्रह नीच का हो तो वह भाव कमजोर कर देगा, जो ग्रह नीच है उसका अपना स्वयं का भाव भी कमजोर हो जाएगा। अस्त, नीच का ग्रह कमजोर है, अस्त का ग्रह कमजोर है, इसके साथ कोई भी ग्रह जो पाप कर्तरी में है, आगे पीछे उसके क्रूर ग्रह है, या कोई भी भाव जिसके आगे पीछे क्रूर ग्रह है वह पीड़ित है। कोई भी ग्रह जिसके ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी, जैसे यहाँ पे बुध बैठा हुआ है नीच राशि में है, अब यहीं पर मंगल बैठा हुआ है, मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ गई, अब बुध इसका शत्रु भी है और नीच है, ये पहले से परेशान है और क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ गया तो अब ये और भी पीड़ित हो जाएगा। तो दृष्टि अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो पीड़ित हो जाता है। यहीं अगर शुक्र बैठ जाए और शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी, शुक्र शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि से थोड़ा बल मिल जाता है, नाम ही शुभ है ना, शुभ चीजें हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेंगी तो हमें एक मन में आस जगेगी कि हाँ चलो बालक खेल रहा है और पिता कुर्सी से बैठ के देख रहा है, तो बालक के मन में रहता है ना कि पापा मेरे बैठे हैं पास में देख रहे हैं, कुछ होगा तो संभाल लेंगे। वैसे ही होता है, शुभ ग्रह है तो वो थोड़ी सी अशुभता कम करते हैं, ऐन वक्त पे चीजों को संभालने का प्रयास करते हैं, और क्रूर ग्रह उसी चीज को और बिगाड़ने का प्रयास कर देते हैं। युति मैंने आपको बता दी, अगर कोई भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 के साथ युति करेगा तो वो पीड़ित हो जाएगा। नौमांस में अगर कोई ग्रह नीच राशि में होगा, लग्न में भी नीच है नौमांस में तब तो और भी बुरा हो गया, लेकिन अगर लग्न में भी वह पीड़ित है, नौमांस में भी नीच का हो गया, तब वह बहुत पीड़ित हो जाएगा वह ग्रह। और वह ग्रह जहां बैठा होगा, जिस भाव में ये सारी चीजें मैक्सिमम मिलेंगी, वो भाव भी पीड़ित हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है कारक, ये हमारी आखिरी उम्मीद होता है। जैसे यहां दशम भाव आपको पीड़ित दिख रहा है, अब इसी को हम दशम भाव के बजाय मान लेते हैं, दूसरे उदाहरण से एक ही भाव पे सारा नहीं समझाएंगे, धन भाव पे आ जाते हैं, मंगल पे। मंगल धन भाव में है, किस राशि में है? नीच का है। तो पहला सूत्र आपको क्या मिल गया कि भाव पीड़ित है, निर्बल है, अशुभ है, क्योंकि यहाँ पे नीच का ग्रह बैठा हुआ है। दूसरा, चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, अगर चंद्रमा भी यहीं बैठ जाएगा तब तो कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो गया तो चंद्रमा अच्छा प्रभाव दिया। अब वही चंद्रमा अगर भाव को देख रहा हो तो भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन चंद्रमा खुद अष्टम में गया है तो देखने का बहुत असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चंद्रमा ये कुंडली के निचले भाव होते हैं, यहाँ से ऊपर दृष्टि डालना थोड़ा जटिल होता है, ये गोपनीय सूत्र भी जानिएगा। कुंडली में यहाँ ऊपर से नीचे के भावों पर दृष्टियाँ जो पड़ती हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, और जो दृष्टियाँ नीचे से ऊपर जाती हैं वो मेहनत वाली दृष्टियाँ होती हैं, उनका रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है। यहीं से ऐसे देखना पड़ेगा ग्रह को, ऊपर करके मेहनत है, लेकिन नीचे देखना आसान होता है, वही चीज है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, अब यही चंद्रमा अगर नीच का हो गया, यहाँ पर हो गया, तो अब भाव में भी नीच का ग्रह है, भावेश भी नीच का है, या भावेश पीड़ित हो गया, 12वें भाव में है, क्रूर ग्रह के साथ है, आखिरी उम्मीद हमारी कारक होती है। धन भाव का कारक ग्रह कौन सा है? गुरु है। अब हम आखिर में गुरु के पास जाएंगे। जैसे लग्न किसी का पीड़ित हो गया, लग्न में क्रूर ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया, राहु, दो दो क्रूर ग्रह हैं, लग्न पीड़ित है, गुस्सा टेम्पर सब बढ़ा दिया, स्वास्थ्य में बार बार तकलीफ, लेकिन अब ही एक उम्मीद क्या है? कारक, लग्न का कारक कौन होता है? सूर्य। हम कुंडली में सूर्य की स्थिति देखेंगे कैसी है।
धन भाव पीड़ित है, सब कुछ खराब है, तो क्या कारक से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? धन का कारक गुरु, उसको देखेंगे कि वो तो नहीं कमजोर है। तो भाव, भावेश, कारक, ये तीनों चीजें देखनी चाहिए, फिर उसके बाद इन सारी चीजों को भी देख लेना चाहिए। तो ये सब कमजोर बनाने वाले तत्व हैं। एक तो नीच, मैं पूरा लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, भाव में नीच का ग्रह हो, भाव पे नीच ग्रह की दृष्टि हो, नीच की दृष्टि हो। नीच दृष्टि को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ चार नंबर लिखा है, अब मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा तो नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ पर है। अब मंगल एक दो तीन चार, मंगल की चौथी दृष्टि इस भाव पर आ रही है, और मंगल की जो चौथी दृष्टि यहाँ आ रही है, ये मंगल की कौन सी राशि है? नीच राशि है। अगर कोई ग्रह अपने नीच वाली राशि पर दृष्टि डालता है तो वो भी उस भाव को कमजोर बनाने का प्रयास करता है। तो ग्रह नीच का हो, भाव में ग्रह नीच का हो, कोई भावेश नीच का हो, भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह की वहां पर नीच राशि हो, भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, एक या एक से अधिक। अच्छा, क्रूर ग्रहों में याद रखिएगा, कोई भी ग्रह जब अपने घर का होगा स्वाग्रही होता है, भले ही वह क्रूर ग्रह हो, मंगल हो, शनि हो, या कोई ग्रह उच्च का होता है भले ही वह क्रूर हो, तो उसे जो है हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, स्वाग्रही ग्रह हमेशा अच्छा होगा, उच्च के ग्रह हमेशा अच्छे होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन स्वाग्रही ग्रह भाव के फल का रक्षण करता है। तो भाव में अगर क्रूर ग्रह, एक से अधिक क्रूर ग्रह हो गए, भाव पर क्रूर ग्रह की क्या हो गई? दृष्टि हो गई, ये भी कमजोर करेगा। भाव में क्या कौन सा ग्रह बैठा हो? अस्त ग्रह बैठा हो, भाव का स्वामी अस्त हो, अस्त जो ग्रह है वो भाव का स्वामी भी अस्त हो, भाव में अस्त ग्रह बैठा हो, भाव का स्वामी 6-8-12 में गया हो, या 6-8-12 का स्वामी किसी भाव में गया हो, कोई ग्रह नौमांस कुंडली में नीच का हो, तो ये सब पीड़ित करने वाले योग है। एक होता है ग्रहों का अंश बल, ग्रह अंश में कमजोर है, वो अलग चीज है। ग्रह अंश में वास्तव में चाहे जितने कम या अधिक डिग्री का हो, वो रिजल्ट देता ही देता है। जैसे अगर किसी का लग्न 3 डिग्री का है, तो कुंडली में जो ग्रह 3 डिग्री का होगा वह सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। अंश से कोई ग्रह कमजोर नहीं होता, ये जाने रहिए, अंश वाली कमजोरी जो होती है वो आप ग्रह का स्टोन पहन करके दूर कर लेंगे। ग्रह 0 से चलना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा? 30 तक। जब ग्रह 30 पे पहुंचेगा तब वो कहाँ जाएगा? अगली राशि पर। तो ये ग्रहों के राशि बदलने का एक स्टेप है, सीढ़ी है। 0 मतलब पहली सीढ़ी, फिर 1 नंबर की सीढ़ी, फिर 2 नंबर, ऐसे चलते चलते 30 तक पहुँच के उस राशि को कंप्लीट करता है। अगर ग्रह 29-30 तक पहुँचेगा नहीं तो अगली राशि में जाएगा ही कैसे? ऐसा तो है नहीं कि बलवान रहे, 15 रहे और धड़ाम से कूद के अगले में 15 में पहुँच ले। घर में हम अपने घुसते हैं तो पहले हम अपने गेट के पास ही पाँव रखेंगे ना, फिर अंदर चलेंगे। गेट के पास हम जब पांव रखते हैं तो वही हमारी 0 डिग्री, फिर हम आगे बढ़ते हैं। घर में पहुंच गए तो हम पूरे घर पे अब अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि अब घर के बीच में है, पूरी चीज़ें नियंत्रण में है, तो हम बलवान हैं। फिर ऐसे ऐसे घर से निकलते समय आप घर छोड़ के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गेट पे पहुंच गए, जाते समय तो आप अब 30 डिग्री के करीब हैं। अब घर नहीं छोड़ेंगे तो फिर दूसरी जगह पर पहुंचेंगे कैसे? तो वही ग्रहों के राशि बदलने का वो अलग सिस्टम है। राशि अगर ग्रह के अंश जो है वो 29 डिग्री का हो, तो ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि लग्न की डिग्री कितनी है, उस हिसाब से फल देगा। अगर आपके लग्न की डिग्री 29 डिग्री है और यहाँ पर कोई ग्रह आपका 12 डिग्री का बैठा है, तो ये 12 डिग्री वाला उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना कि 27 डिग्री वाला ग्रह रिजल्ट देगा, क्योंकि 27 डिग्री इसके करीब में है। फिलहाल वो अलग विषय हुआ, ये भी आपको इसी में समझ में आ गया होगा। यानी मेरे कहने का मतलब, इसमें अंश बल ना लीजिएगा, अंश बल आप स्टोन पहना करके मेंटेन कर लेंगे, और अंश बल से कोई ग्रह कमजोर नहीं होता है, उसकी भाव पे पकड़ कितनी है ये पता चलता है सिर्फ अंश से। अंश से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अंश से ग्रह के सिर्फ उस भाव पे पकड़ कितनी है। उदाहरण से मैं समझा दूं, जब आप गेट पे पहुंचे हुए हैं अपने घर के,
कहीं बाहर से आए, अभी गेट पे हैं तो आपकी पकड़ आपके घर में अभी अधिक नहीं हुई है। घर में अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, खा पी रहा है, कोई भी अभी गेट पे है, अभी आपको पूरा माहौल नहीं पता चला, लेकिन जब आप घर में पहुंच जाते हैं पूरा माहौल आपको पता चल जाता है। तो वो डिग्री जो है पकड़ को बताती है। अब आगे चलेंगे शुभ और अच्छे बनाने वाले चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर भी वही चीज चलेगी, भाव। अगर भाव में स्वाग्रही ग्रह बैठा हो, यानी किसी भी भाव में कोई ग्रह हो, अपने ही घर का हो, अपने ही घर का वह ग्रह हो, तो भाव को मजबूती देगा। किसी भाव में उच्च का ग्रह हो तो भाव को मजबूती देगा, ठीक है। किसी भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, वह शत्रु राशि में ना हो, चाहे क्रूर ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, नीच का हमेशा खराब रहेगा। शुभ ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, शत्रु राशि में है तो खराब रहेगा, बैठा जहां है वहां खराब ही करेगा। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र अपनाए रखिए। ऐसे जो मेन चीजें मिल जाए उसको आप तुरंत फटाक से नोट करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको एक सूत्र मिलेगा उसी डायरेक्शन में सब चलेगा। शुभ ग्रह बैठा है तो बहुत अच्छा है, अब उसमें भी अपवाद आएगा। नीच का है तो नहीं अच्छा है, शत्रु राशि में है तो नहीं अच्छा है, अस्त है तो नहीं अच्छा है। बकरी के बारे में हम इसके आपको पहले बता चुके हैं, वक्री ग्रह बलवान हो जाता है, वक्री ग्रह में ये सब नहीं देखेंगे। अगर वक्री ग्रह अस्त होगा तो उसका वक्री होने का जो बल है वो भी खत्म है, तब वो बलवान नहीं है। यानी किसी भाव में स्वाग्रही ग्रह भाव के फल को बढ़ाएगा, उच्च का ग्रह भाव के फल को बढ़ाएगा, भाव में शुभ ग्रह बैठा हो हालांकि वो शत्रु राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो, तो भाव के फल को बढ़ाएगा। भाव के आगे और पीछे शुभ ग्रह हो, यानी कौन सा कर्तरी बने, शुभ कर्तरी बने, तो भाव के फल को बढ़ाएगा। द्वितीय भाव के इधर शुक्र बैठा है, इधर बुध बैठा है, द्वितीय भाव शुभ ग्रह के प्रभाव में आ गया तो इसको शुभ कर्तरी बोलते हैं। शुभ कर्तरी हो तो भाव के फल को बढ़ाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा जहां पर हो, चंद्रमा के आगे पीछे शुभ ग्रह हो, तो भाव का स्वामी भी शुभ कर्तरी में आ गया। यानी भाव तो देखिए कि हाँ ये चीजें भाव पे लागू हो रही हैं कि नहीं, भाव में स्वाग्रही है, उच्च है, नीच है, शुभ है, क्रूर है, क्या है। फिर भाव के बाद भावेश पर वही चीज लागू करिए कि भावेश उच्च है, नीच है, स्वाग्रही है, शत्रु राशि में है, क्रूर पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है, अस्त है, मतलब भाव पे वही चीज, ये सारी चीजें लगानी है, भावेश पे लगानी है और कारक पे लगानी है। भावेश अगर जो मैंने पहले बताया निर्बल होने के लिए, वो सारे लक्षण भाव में हो, वही सारे लक्षण भावेश में भी आ जाए, वही सारे लक्षण कारक में भी आ जाए, तो भाव का फल नष्ट हो जाएगा। संतान के विषय में किसी का सवाल है, संतान भाव में मान लीजिए नीच का ग्रह हुआ, संतान भाव में शत्रु राशि का ग्रह हुआ, संतान भाव में अस्त का ग्रह हुआ, संतान भाव में कई क्रूर ग्रह हैं, संतान भाव का स्वामी भी वैसे पीड़ित है और संतान का कारक कौन होता है, गुरु, वो भी पीड़ित है, तो बहुत कम उम्मीद है। लेकिन अगर इसमें से कुछ सही है तो हम कुछ का उपाय, कुछ सही हो कुछ उपाय करके ठीक कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के पैर होगा जब और उसमें कोई पीड़ा होगी, दिक्कत होगी, चीड़ फाड़ करके इलाज कर देंगे, लेकिन कोई जन्मजात ही विकलांग पैदा हो गया है, पोलियो ग्रसित है या कोई भी कारण है, तो अब उसमें उपाय नहीं काम करेगा। यानी जब कहीं से हमें कुछ मिले, या तो भाव अच्छा मिल जाए, भावेश मिल जाए, कारक मिल जाए, कुछ अच्छा मिलेगा, तो उसी के बल पे हम अन्य चीजों का ट्रीटमेंट करके उसे सही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब सब खराब होगा तो कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। बाद में अगर व्यक्ति अवसाद में गया, तनाव में गया, डिप्रेशन में गया, तो आप मेंटल प्रॉब्लम हुई इलाज करेंगे। लेकिन अगर कोई जन्मजात ही मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है, बोल नहीं पाता, दिमाग के नशे कमजोर हैं, तब आप उपाय नहीं कर सकते। ये सब इसी से देखा जाता है। तो हम बलवान होने के चीजों के बात कर रहे थे, तो ये स्वाग्रही हो गया, उच्च शुभ ग्रह स्थित हो और शुभ कर्तरी योग हो, ग्रह अस्त ना हो, सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर ग्रह हो उतना ही अच्छा है, ग्रह अस्त ना हो, उस भाव में जिस भाव को आप देख रहे हैं उस भाव में 6, 8 और 12 का स्वामी ना बैठा हो, उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना गया हो तो अच्छा कारण है, वह ग्रह नवमांश कुंडली में नीच का ना हो तो बल बन जाता है कि हाँ यह भाव बलवान है। अब इसी चीज को
ये दृष्टि भी देख लेंगे कि क्रूर है कि शुभ है, ये भी देख लेंगे। अब मैं एक कुंडली बना के उदाहरण से आपको समझाऊंगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा। एक्चुअली कार्यक्रम ये जो शूटिंग हो रही है रात के समय हो रही है, और थोड़ा मौसम ऐसा है कि लाइट जलने पर कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देने चल रहा हूँ, इससे आपकी बहुत सारी डाउट्स, यानी जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसका आपको एक उदाहरण मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। तो अब वही हम आपके लिए करने वाले हैं। एक कुंडली ले लेते हैं, कौन सी कुंडली ले लेते हैं, कर्क लग्न की। चलिए कोई उदाहरण लेके समझाना है, अभी समझाते हैं, बाद में तो हमारा पूरा कुंडली का विश्लेषण ही आएगा, जिसमें हम 150-200 कुंडली का विश्लेषण ऐसे ऑन बोर्ड आपको करके सिखाएंगे। यह कोर्स का ही हिस्सा है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो उसके लिए यह कोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। हो सकता है यूट्यूब पर भी यह वीडियो जाए, तो यूट्यूब वाले भी अपनी जानकारी में रखें कि जब कुंडली के सारे बेसिक हम सिखा देंगे, तो एक नहीं कम से कम हजारों कुंडलियों का ऐसे आपके सामने विश्लेषण करूंगा, लाइव ऐसे दिखा के, डेमो दे दे करके, रियल लाइफ की कुंडलियां ले ले करके, कि इस भाव में ये ग्रह है, ये पीड़ित है, ये अच्छा है, ये बुरा है, निकालना मैं सिखाऊंगा। कर्क लगन ले लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये हो गया। चलिए ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम ग्रहों को भर लेते हैं। केतु, मैं अपनी ही कुंडली लिख रहा हूँ यहाँ पे, शनि, मंगल, राहु, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र। अब यहाँ पर हम किसी एक भाव का विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए विश्लेषण कर लेते हैं, सप्तम भाव का ही कर लेते हैं। विश्लेषण करने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। चलिए यहाँ पे शुरू करेंगे, पहले भाव में आ जाइए। क्या भाव बलवान है? भाव में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, तो भाव यहाँ पर शनि वक्री है। भाव में उच्च का ग्रह बैठा है तो भाव क्या हो गया? बलवान हो गया। भाव के बलवान होने की बात है, रिजल्ट बाद में आएगा कि हाँ क्रूर ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। शुभ ग्रह भाव की वृद्धि करता है, क्रूर ग्रह भाव में पराक्रम पैदा करता है, तो भाव मंगल ने इसको बलवान किया। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखिए, भाव पहले देख लिया, भाव मजबूत है, भाव पे दृष्टि देख लीजिए किसकी है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। भाव शुभ कर्तरी में है कि पाप कर्तरी में है? भाव पाप कर्तरी में, इधर भी क्रूर ग्रह, इधर भी क्रूर ग्रह, लेकिन जब भाव का स्वामी ही पीछे या आगे होता है एक, तो वह पाप कर्तरी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि शनि अगली राशि से जब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा तो वो स्वयं के ही घर में पहुँचेगा। तो शनि जब यहाँ पहुँचा हुआ है तो इस भाव को क्रूर नज़र से नहीं देखेगा, अपने ही घर में जाने की इसके मन में प्रसन्नता होगी। तो ये गोपनीय सूत्र आप एक और जान लीजिए कि अब यहाँ पे शनि पिछले भाव में है, ये अपने ही घर में जाएगा, इसलिए यहाँ पे भाव पाप कर्तरी में नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है शनि, और द्वितीय भाव में आगे पीछे क्रूर ग्रह हो गए, लेकिन सूर्य यहाँ पर अपने ही घर में जाएगा अगली राशि में, तो अब यहाँ यह पाप कर्तरी प्रभावी नहीं होगा। पाप कर्तरी रहेगा, है, सब कुछ है, लेकिन हर चीज ज्योतिष में प्रैक्टिकल लाइफ से तुलना करके चलती है। कोई भी ग्रह अपने घर में पहुंचता है तो कंफर्ट जोन में हो जाता है, अन्य ग्रह होता है तब वो कंफर्ट जोन में नहीं होता है। जैसे यहाँ सूर्य के बजाय यहाँ शनि हो जाए, सूर्य यहाँ हो गया, तो अब सूर्य कंफर्ट जोन, अपना घर छोड़ के निकल आया है, और शनि ये अपने घर में नहीं जा रहा, यानी अब बढ़िया वाला पाप कर्तरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे पाप कर्तरी है, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाएगा। है तो लिख ले रहे हैं, लेकिन यह प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है, भाव बलवान हुआ, भाव में क्या नीच का ग्रह है? नहीं है। भाव पे किसी ग्रह की नीच की दृष्टि है? नहीं है।
भाव पे नीच ग्रह की दृष्टि है, कोई ग्रह नीच का देख रहा, बृहस्पति देखता, 10 नंबर की गिनती बृहस्पति की नीच राशि है और बृहस्पति की दृष्टि नहीं पहुंच रही है, तो यानी ये पाप कर्तरी कैंसिल हुआ, नीच की दृष्टि नहीं लागू हुई, नीच का ग्रह नहीं लागू हुआ, नीच वाला कोई भी लागू नहीं हो रहा है। भावेश को देख लीजिए, इस भाव का स्वामी कहाँ गया हुआ है, इस भाव का स्वामी छठे भाव में गया हुआ है, तो अभी तक हमें 2 प्लस मिल गए, इधर प्लस मिल रहे थे, 1 निगेटिव भी मिल गया कि भाव का स्वामी छठे भाव में गया हुआ है, यह भाव को थोड़ा सा कमजोर करता है, छठे भाव में गया। ठीक, अब क्या यह जो छठे भाव में गया है, भाव का स्वामी कैसा है, वह किसी भी भाव में गया हो, भाव को एक लिख लीजिए, 6, 8, 12 में गया, कहां गया, फिर यह भी देखिए वो भाव का स्वामी नीच राशि में है, अस्त है, वक्री है, कैसा है, उसका बल कैसा है। वक्री ग्रह हमेशा क्या हो जाता है, बलवान, यानी भाव का स्वामी क्या हो गया, बलवान हो गया है, भाव का स्वामी क्या है, बलवान है। अब इस भाव पर और भाव के स्वामी पर दोनों पर दृष्टि भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे गुरु की नौमी दृष्टि आ रही है, शनि के ऊपर गुरु की नौमी दृष्टि, शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि भी आ रही है, यानी यहाँ पे क्रूर ग्रह कितने देख रहे हैं, ये देख लीजिए, क्रूर ग्रह में 1, 2, 3, 4, 5 क्रूर ग्रह में यहाँ पे 1 ग्रह की दृष्टि है, यानी 1 निगेटिव हुआ, लेकिन पॉजिटिव कितने हो गए, 2 हो गए, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो मेरा बहुत प्रसिद्ध फार्मूला है कि 1 ग्रह की निगेटिव दृष्टि आई, 2 ग्रह की पॉजिटिव, तो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कट गया और 1 पॉजिटिव बच गया है, यानी कुल मिलाकर के पॉजिटिव वाला ही दृष्टि यहाँ पर लागू है। ऐसे 2 ग्रहों की दृष्टियां क्रूर हो जाती हैं और 1 ग्रह शुभ होता तो मैं उस हिसाब से प्लस माइनस करता। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग हर क्षेत्र में होता, आप गणित पढ़े हैं तो ऐसा नहीं कि वह ज्योतिष में नहीं प्रयोग होगा, आप जब भी गणित में सवाल लगाते हैं और आप ऐसे देखते होंगे, 2 पक्ष होते हैं, 3 + 2 + 5 इज इक्वल टू 2 + 7 + 3 ऐसे हो गया, इतना इक्वल करके, मतलब इसको जोड़िए घटाइए, अगर नहीं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, अगर दोनों पक्ष में 2 आ गया है तो उसको हम हटा देते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है, वैसे ही कॉन्सेप्ट से आप समझिए, जैसे दूसरे उदाहरण से समझा दें, जैसे का खा गा बटे गा चा छा, अब इसमें गा दोनों में होता है तो हम इसे हटा लेते हैं, काखा बटे चाछा हो जाएगा ना, उसी प्रकार से कुछ लोग ABCD में समझ सकते हैं। अब हम जिस जमाने में पढ़ते थे उस समय ABCD भी चलता था और हमारे गुरुजी काखा गागा भी करके पढ़ाते थे, तो दोनों तरीक़ों से हम इंटरमीडिएट में ABCD करके पढ़े हैं और उसके पहले तक हिंदी लिपि में पढ़े थे, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, वक्री है, बलवान है, भाव के स्वामी पर अच्छे ग्रहों का, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, भाव में जो ग्रह है वो भी उच्च का है, मंगल उच्च का है, इसलिए भाव के फल को बिगाड़ेगा नहीं, मेंटेन करेगा, हालांकि भाव में पराक्रम लाएगा ही लाएगा, ये 7वां भाव किसका है, पत्नी का, पत्नी में पराक्रम होगा, पत्नी भाव काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है, पत्नी भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पत्नी भाव का में उच्च का ग्रह है, तो कुल मिलाकर के ऐसा भी लगता है कि पत्नी इनकी अच्छे पद वाली हो सकती हैं, अच्छी कमाई करने वाली हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें लागू हो सकती हैं, ऐसे भाव का निष्कर्ष आपको निकालना है। लेकिन इस भाव में क्रूर ग्रह है, भाव का स्वामी 12 में है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी बोलिए रहेगी, लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि रिश्ता नहीं टूटेगा इस बात को आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते जब तक पत्नी की भी, सामने वाली की भी कुंडली नहीं देख लेंगे, क्योंकि सप्तम में 1 तो उच्च का ग्रह है, ठीक, और वो जो उच्च का है वो इस कुंडली का कारक ग्रह भी है, दूसरा जो सप्तमेश है उसे 2-2 शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो ये शुभ ग्रहों की दृष्टि, ऊपर से ये भले छठे भाव में गया कमजोर होने वाले भाव में, लेकिन ये वक्री हो गया, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई मूवी आप देखे, हीरो को 5-6 लोगों ने कैद कर रखा है, लेकिन हीरो के पास कोई ऐसी ताकत है, वह ऐसे हाथ उड़ाया और सारे जो विलन है उड़ गए, वक्री ग्रह में वही पावर है, तो ये इस छठे भाव के जकड़न में नहीं आ पाएगा। अगली चीज यहां पे एक चीज और आपको देखना चाहिए,
सामने वाले की भी कुंडली देखिए, और यहाँ पे ये देखिए कि ये जो सप्तम भाव में ग्रह बैठा है और जो सप्तमेश है ये किस नक्षत्र में बैठे हैं। अगर ये उग्र या क्रूर नक्षत्र में होते तो डाइवोर्स तलाक वाली स्थिति बन जाती, सामने वाली की भी कुंडली देखनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब द्वितीय भाव का एनालिसिस करेंगे। द्वितीय भाव में आ जाइए। द्वितीय भाव में क्या कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है? इसी मैं सिर्फ ये दो उदाहरण देके आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और अपनी तरफ से भी तर्क और वितर्क बुद्धि लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि जब मैं विश्लेषण करूँगा तो एक बार में सारा ही चीज़ कर दूंगा, हो सकता है कोई चीज़ दिमाग में ना आई हो, क्योंकि मेरा फोकस आपको समझाने पर है। द्वितीय भाव में आ जाइए, द्वितीय भाव का स्वामी और द्वितीय भाव की स्थिति। द्वितीय भाव में क्या कोई नीच का ग्रह बैठा है? नहीं बैठा है। द्वितीय भाव में क्या कोई क्रूर ग्रह बैठा है? यहाँ पे हम लोग निगेटिव नोट कर लेंगे, ऐसे आप कॉलम बना के, ऐसा आप लोगों को ज़्यादा पसंद भी आता है, निगेटिव पॉजिटिव। द्वितीय भाव में नीच का ग्रह बैठा है? नहीं बैठा है, यानी ये पॉजिटिव हुआ। द्वितीय भाव का स्वामी देख लीजिए, भावेश नीच का है, अशुभ है, क्रूर पीड़ित हुआ है कि नहीं हुआ है? द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का है तो पॉजिटिव हुआ। द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया होता, नीच का होता, अस्त होता, तब इधर बन जाता पॉइंट, लेकिन ये उच्च का है, उच्च का हुआ तो और भी अच्छा हुआ। द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह द्वितीय भाव के कारक, ध्यान से समझिएगा, द्वितीय भाव का कारक, धन का कारक ग्रह कौन है? गुरु है। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य धन के कारक गुरु के ही साथ बैठा है, पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर होगा, गुरु तो छठे भाव का भी तो स्वामी है, गुरु छठे का भी स्वामी है, तो गुरु छठे का स्वामी है तो छठे का भी प्रभाव देगा, जीवन में लोन कर्जा वगैरह रह सकता है, वो चीज़ भी अपना प्रभाव देगा। अब यहाँ पर धन, लेकिन हम जब धन की बात कर रहे हैं तो धन के ही परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे, छठे भाव का स्वामी तो है, भाग्य का भी तो स्वामी है, यहाँ पर धन का कारक होकर के धन भाव के स्वामी के साथ बैठा, ये भी अच्छा हो गया। दूसरा, हम यह भी देखते हैं कि क्या अस्त तो नहीं है, सूर्य तो अस्त नहीं होता, दूसरा कोई ग्रह होता तो अस्त वाली स्थिति हम यहाँ पर देखते। द्वितीय भाव पर दृष्टि देखिए किसकी है, एक तो द्वितीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह के साथ गया है, ये भी प्लस पॉइंट है। द्वितीय भाव का स्वामी धन के कारक के ही साथ बैठा है, द्वितीय भाव के कारक के साथ, प्लस पॉइंट। द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, प्लस पॉइंट। द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, निगेटिव पॉइंट। द्वितीय भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि है, निगेटिव पॉइंट। जब राहु या केतु यहाँ रहेगा कोई एक, तो अगले की दृष्टि अपने आप ही पड़ जानी है। द्वितीय भाव किस में है? कर्तरी में देख लीजिए, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, ना शुभ कर्तरी है ना पाप कर्तरी है, तो ये कर्तरी वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और, भावत भावम भी आप चाहे लगा लें, द्वितीय भाव से द्वितीय भाव, द्वितीय से द्वितीय का स्वामी बुध लाभ में है, चंद्रमा की दृष्टि है। फिलहाल ये ज़्यादा जटिल हो जाएगा, छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर कुल मोटा मोटी निकाल के रिजल्ट देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स ही अधिक है। निगेटिव पॉइंट्स, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, अब यहाँ पे सूर्य नीच का हुआ, सूर्य यहाँ पर गया होता अब पीड़ित हो गया, यहाँ पर केतु बैठा है यहीं पर मंगल हो जाता, मंगल की भी दृष्टि आ जाती है क्रूर ग्रह की, इसी भाव में नीच का ग्रह होता, द्वितीय अस्त होता, द्वितीय पाप कर्तरी में होता, द्वितीय भाव पाप कर्तरी में होता, नवमांस में द्वितीय नीच का होता, तो तमाम सारी बातें आपको ऐसे अप्लाई करके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स जान के ही भाव का फलादेश करना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि निगेटिव हमें मिला है, केतु बैठा हुआ है ये निगेटिव है, केतु निगेटिव है और छठे भाव का स्वामी भी देख रहा है, तो छठे भाव से रोग देखते हैं तो ये द्वितीय भाव क्या होता है, मुख का रोग दे सकता है। द्वितीय भाव से द्वितीय भाव धन है और यहाँ पर ये ऋण का है तो कुछ कर्जा वगैरह भी देगा, लेकिन इतना कर्जा सिर्फ उतना ही रहेगा जो सिर्फ काम का रहे, कर्जा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन पे है, वो अलग चीज़ है वो उस कर्जे में, और एक कर्जा जो जीवन के लिए मुसीबत बन जाए वो स्थिति यहाँ नहीं है। वो स्थिति तब हो जाती जब भाव में नीच का ग्रह होता, भावेश कमजोर होता, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब केतु बैठा हुआ है तो मुख की समस्या दे देगा, दांत मसूड़े की दे देगा, अपना प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ेगा, लेकिन चूंकि हावी ये नहीं है, पॉजिटिव वाला हावी है, समस्या देगा भी तो क्योरेबल देगा, ना कि वह
ऐसी समस्या देगा जो कि बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन जाए। उम्मीद है ये आपको कुछ समझ में आया होगा। बार बार देख लीजिए, सुन लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए।